पेश है हिंदी जबान में अपडेट। प्रतिशोधी अमानवीय कार्रवाई, मोदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बंदियों को भारत की सुदूर जेलों में शिफ्ट कर रहा है। भारतीय सरकार कश्मीरी राजनीतिक बंदियों के साथ बहुत क्रूरता का आचरण अपनाए हुए है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के 100 के लगभग राजनीतिक बंदियों को दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भारतीय शासकों को बंदियों को उनके निवासों तथा परिवारों से सुदूर क्षेत्रों में शिफ्ट करने से रोकते हैं। कश्मीरी बंदियों की भारतीय जेलों में शिफ्टिंग केवल राजनीतिक प्रतिशोध है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बंदियों का भारतीय जेलों में स्थानांतरण कश्मीरियों के विरुद्ध मोदी की आपराधिक मानसिकता का प्रमाण है। कश्मीरी बंदियों की भारत की सुदूर जेलों में शिफ्टिंग का तात्पर्य केवल उनके परिवारों को भावनात्मक तथा वित्तीय रूप से तंग करना है। सहस्त्रों कश्मीरी राजनीतिक बंदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में जेलों में पड़े हुए हैं। कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जेलों में टॉर्चर करने का एकमात्र लक्ष्य उनके स्वतंत्रता संघर्ष को पराजित करना है। मोदी की दमन चालें कश्मीरियों को अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के न्याय संगत लक्ष्य से नहीं रोक सकती। सार्वभौमिक संगठनों को कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। विश्व को जेलों में पड़े राजनीतिक बंदियों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए।